भाई सभी साथियों को राम राम। भाई कावरल गांव के अंदर भाई 2000 ट्रैक्टर लेकर जो है भाई साहब और काफी किसान पहुंचे हुए हैं। देख सकते हैं भाई ट्रैक्टरों की लाइनें लगी है, इधर भी देख सकते हैं भाई, उधर भी देख सकते हैं। और किसान जो बर्बरता हुई थी खेड़ी चोपटा के अंदर, जो शंभू बॉर्डर पर किसानों पे प्लास्टिक की गोलियां चलाई जा रही है, किसानों पर लठ बरसाए जा रहे हैं, उससे काफी परेशान नजर आ रहे हैं भाई साहब। हाँ भाई साहब। हाँ भाई, राम राम सारे दर्शकों ने, राम राम। आम तो यूं कहा सरकार के ये किसान ने, भाई किसान ना हमें तो हमने बटेऊ के दियो, और बटेऊ ने तो जुआरी तो दिए करे, जुआरी में ये कानून लागू कर दियो और किमें ना चाहिए इन किसाना ने। तो किसाना ने लागू कर तो खुल लग रहे भाई, इकट्ठे हो जाए तो लठ मार दिए भाई लठ के। हम अभी प्यार तो जवाब देवा, जब किसान आप आड़ी पास जाएंगे तो जुआरी में सब कुछ मिलेगा इनने। अरे सरकार चाहे भी मार सके किमें करे, हम बोला डाला किसाना ने फंसाऊ चाहे, क्यों किसान शांत स्वभाव से अपना काम कर रहे है तो ये भड़का रहे किसान। किसान हाथ उठाएगा तो फिर इन पे केस लागू करेंगे और इनको जेलों में डालेंगे, इसलिए किसान सभी भाई अपने प्यार से काम कर रहे हैं, वो प्यार से ही करेंगे। हम दो लठ मार के एनू कह दे भाई, ये तो शरारती तत्व है, किसान थोड़ी है भाई। कहने तो किमे केस के इनका कोई जवाब को नहीं, लठ हमने भी मारने आया है, ये खुद लठ मारेंगे, खुद के चौंचले है भाई। जब जिस दिन किसान लठ मारेगा उस दिन आज सरकार बाजी हाथ को नहीं आवेगी। तो के मतलब के नुकसान हो रहा है किसानों ने भाई? किसानों ने भी कल ही जागे है, हमें चौपटा किसानों ने ट्रैक्टर तोड़ दिए, किसान घर में बड़बड़ गया, लठ बजा रहे हैं, अड़कड़े आंसू गोली दाग रहे हैं, कहीं मिर्ची गोली भी दाग रहे हैं, इससे बड़ा के नुकसान होगा। आड़े हमारे गाँव में देख ले भाई, किसान के सारे किसान सारे खेत छोड़ छोड़ के गम आ रहे हैं, दुकानदार दुकान बंद करके रोड पर आ रहे हैं, इससे बड़ा क्या नुकसान होगा? जो बड़े जो पे नहीं जा रहे, क्यों किसान है तो सब कुछ है, ऐसे क्या कराए भाई? तो आप प्रशासन से मुकाबला कर सकोगे भाई? प्यार से मुकाबला कराएंगे, पहला तो सही रहोगी तो, नहीं तो भाई हम दूसरा हथकंडा भी अपनावाएंगे यदि आराम से ना मानी तो सरकार। तो दूसरा हथकंडा क्या उसका भाई, क्या कर सकते भाई? किसान सारे निकल तो गोला करे कराता है भाई, अभी तो शुरुआत है, शुरुआत धीरे धीरे के आदमी बढ़ गए, सारे आगे बढ़ेंगे, सारे किसान है अभी फिलहाल 50% आ रहे हैं और भी आ लेंगे, और नौजवान युवा साथी भी साथ दे रहे हैं, जो नौकरी वाले हैं वो भी अपने किसान माता पिता किसी के चाचे तक हुआ वो सब आ रहे हैं उनका साथ देने के लिए। तो मतलब भैया खेड़ी चोपटारी घटना का दुख हो रहा है कि पहला तभी था मन मधी की भाई? दुख तो ये था ये, क्यों हम पहला भी एक साल ओढ़े बैठ के आ गए, हमने बुढ़ा चपड़ा आ गए, झूठे लार से दे के भेज दिए, इब फिर वो लार से दे तो इब कर बुलाना अरे कौन भाई। तो भाई देख सकते हैं भाई युवा किसान भी काफ़ी दुखी नजर आ रहे हैं यहाँ पे, जो सरकार के जो अत्याचार किसानों पर किए जा रहे हैं। और भाई दूसरी बात तो मांगे तो पूरी जो करता होगी, लेकिन अत्याचार भी किसानों पर हो रहे हैं। इस अत्याचार के विरुद्ध जो है छोटे छोटे गांव से छोटे छोटे जिलों से किसान जो है निकल कर सामने आ रहे हैं, और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर कुछ भी करने को तैयार है। ये नज़ारे तो आपने देखा है, बने रहिएगा 24 न्यूज़ के साथ, अपनी जो है कमेंट कीजिएगा। जय हिंद साथियों।